नमस्ते बच्चों, आज हम 99 तक उधार के साथ घटाव करना सीखेंगे। आइए इस प्रश्न से शुरू करते हैं। गैफी के पास 95 फूल है। गैफी ने 27 फूल अपने दोस्त बबलू को दे दिए। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं गैफी के पास अब कितने फूल बचे हैं? क्योंकि यहाँ हमें बचे फूलों की संख्या का पता लगाना है, हम घटाव को इस्तेमाल कर इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले हम संख्याओं को क्षैतिज रूप में लिखेंगे। 95 घटाव 27। हम संख्याओं को खड़ी पंक्तियों में इस तरह से भी लिख सकते हैं। 95 घटाव 27 कितने हुए? यहाँ खुले फूल इकाई दर्शाते हैं और 10-10 फूल के गुच्छे दहाई की संख्या दर्शाते हैं। हम सबसे पहले इकाई में लिखी संख्याओं को घटाएंगे, यानी 5 से 7 घटाएंगे, लेकिन 5 7 से छोटी संख्या है, इसलिए हमें दहाई वाली संख्या 9 से 1 उधार लेना होगा और इस तरह से 5 के आगे लिख लेंगे। अब 5 की संख्या बन गई 15। अब 15 से 7 घटाए तो हुए 8। चलिए इस 8 को इकाई वाली संख्या के नीचे लिखते हैं। हमने दहाई में लिखी संख्या में से एक उधार लिया था, यानी हमारे 9 की संख्या अब हो गई 8। इसे हम यहाँ ऐसे लिख लेते हैं। चलिए अब दहाई भाग में लिखी संख्याओं को घटाते हैं। 8 घटाव 2 हुए 6। इस 6 को दहाई वाली संख्या के नीचे लिखते हैं। 95 घटाव 27 हुए 68। या ऐसे लिखे, 95 घटाव 27 हुए 68। गैफी के पास 68 फूल बचे हैं। बच्चों, अब आपकी बारी है इस प्रश्न को हल करने की। गैफी के पास 85 लकड़ियां थी, 18 लकड़ियां रास्ते में कहीं गिर गई। गैफी के पास अब कितनी लकड़ियां बची हैं? इस प्रश्न का हल ढूंढें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपना उत्तर साझा करें। इस वीडियो में हमने 99 तक उधार के साथ घटाव करना सीखा।